हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम जा रहे हैं जन्माष्टमी की शॉपिंग करने। तो फ्रेंड्स चलो। हेलो गाइस, मेरी हो रही है पर शॉपिंग, पर दीदी को क्यों ले जा रहे हो गाइस? वो बदमाशी करती है गाइस। हाँ, तो बहुत सीधा है ना। हाँ, मैं बदमाशी करती हूँ। तो फ्रेंड्स हम आ गए हैं मार्केट में। अब हम जा रहे हैं शॉप पर। तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, ये कार पार्क है जिसमें बहुत क्यूट सा एक डॉगी बैठा हुआ था। फिर बच्चे आगे आगे चल रहे थे, तो पापा ने जल्दी से पकड़ा इन्हें और फिर बस हम जा रहे हैं शॉप पर। तो हम आ गए शॉप पर। जीवा और डुगू करने वाले आज सारी शॉपिंग और हम और दादी करने वाले इंजॉय। तो बस हम आ गए और यहाँ पर हमने देखे भगवान जी के अच्छे अच्छे से कपड़े। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे भगवान जी के बहुत क्यूट से और सुंदर सुंदर झूले भी हैं, कपड़े भी बहुत अच्छे अच्छे हैं। तो यहाँ से हम भगवान जी के लिए सारा सामान लेने वाले हैं फ्रेंड्स। तो हम ये वाली शॉपिंग तो ऑफलाइन ही करते हैं भगवान जी का साइज़ के कपड़े देखकर। तो यहाँ पे हमारे ठाकुर जी के साइज़ के बहुत सुंदर सुंदर कपड़े थे। हमारे दो ठाकुर जी हैं, एक हैं बड़े एक छोटे। तो ये देखिए आप कितनी क्यूट क्यूट सी सुंदर सुंदर सी यहाँ पर भगवान जी की फ्रॉक हैं। पर सबसे पहले आप सभी लोगों को हैप्पी जन्माष्टमी एंड कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो बस यहाँ पर हमने भगवान जी की सुंदर सुंदर से कपड़े देखे और बच्चे जो हैं वो अपने में लगे हुए हैं, कहीं कुछ देख रहे हैं कहीं कुछ देख रहे हैं। तो यहाँ पर हमने अपने लिए भगवान जी के लिए कुछ कपड़े देखे, ठाकुर जी के लिए देखो डुगू अपना ये ले लो, मम्मा वो ले लो। तो हम आ गए शॉप में अंदर। यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत सारा सामान है, लेकिन हमने लेना है जो हम यहाँ देख रहे हैं, ठाकुर जी के मुकुट, मुरली, भगवान जी की माला और यही सब हमें लेना था। तो हम वहाँ पे यही देख रहे हैं। तो बस आप देखिए शॉप पर आज बहुत भीड़ है। फ्रेंड्स यहाँ पर ठाकुर जी की बहुत क्यूट सी सुंदर सुंदर फ्रॉक हैं, लेकिन हमने हमारे ठाकुर जी के लिए यहाँ से एक और फ्रॉक ले ली और बाहर से भी ली। हमें बहुत पसंद आए हैं कपड़े यहाँ पर अच्छे हैं। तो बस हमने यहाँ से पूजन सामग्री भी ले ली, अगरबत्ती धूपबत्ती जो हमें लेना था वो हमने सब ले लिया और यहाँ पर हमने भगवान जी के लिए लिया परफ्यूम। और फिर यहाँ पर हमने अपना बिल पे किया, फिर हमने जाना था दूसरी जगह। ये ठाकुर जी कितने क्यूट और सुंदर लग रहे हैं ना। और बस हम आ गए हैं डुगू के कपड़े लेने के लिए। डुगू ने यहाँ से अपने लिए कपड़े लिए कृष्ण कन्हैया के। तो देखिए डुगू दादी का हाथ पकड़े पकड़े जल्दी जल्दी जा रहा है। दादी चलो, फिर डुगू बस अपनी चॉइस के यहाँ से कपड़े लेने वाला है, कन्हैया जो बनना है उसे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने डुगू का साइज चेक कर लिया। तो हमने ये डुगू के कपड़े ले लिए हैं, डुगू को ये वाले पसंद आए हैं। तो हम डुगू को पहनाएंगे यही कृष्ण जन्माष्टमी पे। तो हम आ गए हैं यहाँ से कपड़े लेकर और अब हमें जाना है दूसरी जगह पर। तो चलिए हम दिखाते हैं हम कहाँ जाने वाले हैं। तो हम आ गए हैं, थोड़ा सा हमको राशन का सामान लेना था भगवान जी के लिए।
हमने यहाँ से वो सामान लिया और हम चले फिर मिठाई की शॉप पे, जहाँ से हमने भगवान जी के लिए कुछ मिठाई ली नेक्स्ट डे के लिए, और कुछ हमने अपने खाने के लिए लिया। गर्मा गर्म समोसे बन रहे थे यहाँ पे और जलेबियाँ, तो हमने वो दोनों चीज़ें पैक कराई घर पे ले जाने के लिए, और हमने वहाँ जाके खाने वाले हैं। तो यहाँ से हम पहले भगवान जी के लिए मिठाई ले लेते हैं। चलिए फ्रेंड्स, आप मार्केट आओ और कुछ खाओ ना, ऐसा हो नहीं सकता। तो यहाँ पे डुगू डिमांड कर रहा था उसे पानी पूरी खाने की, तो बस हम आ गए पानी पूरी खाने के लिए, यानी कि गोलगप्पे, हमारे यहाँ बोलते हैं पतासी। तो बस हम यहाँ पे ही इंजॉय किया, खाया, और अब हम जाएंगे घर। तो ये रहा हमारा सारा सामान फ्रेंड्स, अब हम चल लिए घर की तरफ। तो आप लोगों ने जन्माष्टमी की तैयारी कर ली है आज, तो आप सभी लोग जन्माष्टमी का फास्ट रखने वाले हो, बस तो हम भी फास्ट रखेंगे जन्माष्टमी का। और कृष्ण जन्माष्टमी मनाने का हर्षोल्लास हमारे शहर में फैल गया है और हर जगह होने वाला है। तो बस यहाँ हम आ गए हैं घर पर, डुगू और हम सब लोग खा रहे हैं समोसा जलेबी गर्मा गर्म। देखिए डुगू कितना खा रहा है जलेबी, और वहाँ पर पापा और दीदी खा रहे हैं डुगू को। मज़ा आ गया जलेबी खा के, देखिए डुगू कैसे खा रहा है। तो वहाँ पे पापा और बेटी बैठे हैं, डुगू अपनी जलेबी खा रहा है। हमारे इस तरह के मज़ेदार वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाना और मेरी वीडियो को ढेर सारा प्यार दें। एक बार फिर से आप सभी लोगों को हैप्पी जन्माष्टमी, हम जल्द मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।